जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो स्विचेस के बीच में जब ट्रंकिंग परफॉर्म करी थी, तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा था नेटिव विलेन का, याद है? जब मैं यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक कर रहा था तो नेटिव विलेन आ रहा था, विलेन वन, वो मैंने स्किप कर दिया था उस टाइम, ठीक है? तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि नेटिव विलेन क्या है, ठीक है? इट इज यूज्ड टू सेंड अनटैग्ड ट्रैफिक ओवर ट्रंक लिंक. मैंने बताया था ना कि ISL जो है वो आपके अनटैग्ड ट्रैफिक को सपोर्ट नहीं करता, जो आपका डॉट वन क्यू है वो अनटैग्ड ट्रैफिक को सपोर्ट करता है, और ISL आपका नेटिव विलेन को सपोर्ट नहीं करता, डॉट वन क्यू आपके नेटिव विलेन को सपोर्ट करता है, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल कुछ केसेस आते हैं जिसमें क्या होता है, मुझे अनटैग्ड ट्रैफिक सेंड करना पड़ता है. हमें क्या सेंड करना पड़ता है? अनटैग्ड ट्रैफिक सेंड करना पड़ता है, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट विलेन जो वन है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट विलेन वन इज नेटिव विलेन. तो अब ये मेरे सारे पोर्ट किस में है? बाय डिफॉल्ट विलेन वन में. और ये लाइक मैंने ट्रंक पोर्ट बना दिया, और यहाँ पे हमारे क्या ये कुछ और पीसीज लगे हैं, ठीक है? तो अब अगर ये पीसी जब भी सेंड करेगा डेटा रिक्वेस्ट आएगी स्विच के पास में, स्विच देखता है कौन से विलेन से आ रहा है, विलेन वन से. तो ये जब भी ट्रंक लिंक पे डेटा सेंड करेगा तो इस वाले डेटा के लिए वो कभी भी ट्रंकिंग टैगिंग परफॉर्म नहीं करेगा, ये कभी भी टैगिंग परफॉर्म नहीं करेगा. तो यहाँ पे भी वो विलेन वन क्या आपका नेटिव विलेन है, तो उसको पता चल गया ना कोई टैग नहीं आ रहा, मतलब किसके लिए, वो नेटिव विलेन के लिए. तो जो भी नेटिव विलेन में जो पीसीज होंगे, वो जो पोर्ट्स होंगे, उन पे क्या कर देगा, वो डेटा को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है? तो जो आपका नेटिव विलेन है वो सिर्फ इनकैप्सुलेशन कौन सी हो, अगर डॉट वन क्यू हो तभी सपोर्ट करता है. अगर मैंने यहाँ पे इनकैप्सुलेशन क्या यूज़ करी हुई है, ISL, और यहाँ पे आपने इनकैप्सुलेशन यूज़ करी हुई है ISL, तो नेटिव विलेन आपका काम नहीं करेगा, ठीक है? मतलब अब अगर ये मेरा नेटिव विलेन बना हुआ है विलेन वन में, ये सारे पोर्ट्स, अगर इन्होंने डेटा सेंड करना है इधर, तो जैसे ही डेटा आएगा यहाँ पे, तो ये तो सिर्फ किसको, टैग ट्रैफिक को ही सेंड करेगा ना ISL. ये ISL किसको सपोर्ट करता है, सिर्फ टैग ट्रैफिक को, अनटैग ट्रैफिक को सपोर्ट नहीं करता. तो वो उस डेटा को इधर ट्रंक लिंक पे भेजेगा तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा. अगर ये भी नेटिव विलेन में है, ये भी मेरे नेटिव विलेन में है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ISL नेटिव विलेन को सपोर्ट करता ही नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि इनके बीच में नेटिव विलेन के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये डॉट वन क्यू इनकैप्सुलेशन यूज करनी पड़ेगी, तब भी वो अनटैग्ड ट्रैफिक को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है? क्लियर है इसको, किसी में किसी को डाउट हो इसमें? हाँ, दोनों साइड में बताया था ना मैंने आपको कल कि इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल दोनों साइड में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. और हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में नेटिव विलेन भी क्या करेंगे, सेम ही रखेंगे. दोनों साइड में नेटिव विलेन क्या रखेंगे, आप क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट तो विलेन वन क्या होता है, नेटिव विलेन होता है. हम लोग नेटिव विलेन को चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो नेटिव विलेन को क्या कर सकते हो, आप विलेन टू को नेटिव विलेन बना दो, बना सकते हो आप, ठीक है? हाँ जी, आप क्या बोल रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बाय डिफॉल्ट डॉट वन क्यू ही रहता है, ठीक है? ISL भी हो सकता है, ठीक है? अब एक्चुअली क्या होता है कि ये जो इसमें स्विचेस जो मैंने यूज कर रखे हैं, तो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट डॉट वन क्यू होता है, और यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डॉट वन क्यू होता है. अगर यहाँ पे दोनों मेरे चल रहे होते, डॉट वन क्यू और ISL, और यहाँ पे भी डॉट वन क्यू और ISL चल रहा होता, तो पहले सिस्को प्रोप्राइटरी वाले को क्या करता, वो यूज करता, तो ISL वाले को यूज कर रहा होता वो, ठीक है? और हम लोग डॉट वन क्यू ही यूज करेंगे ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो, ठीक है?
क्योंकि उसका जो हेडर था उसमें जो इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा था टैग इन्फॉर्मेशन सिर्फ 4 बाइट की कर रहा था ना वो, क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो कुछ केसेस बनते हैं कुछ जिसमें हमें अनटैग ट्रैफिक को क्या करना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है। तो लाइक फॉर एग्जांपल, इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्या केस बन सकता है आपका। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पे क्या है कि स्विच लगा हुआ है और इस स्विच के साथ में यहाँ पे एक हब भी लगा हुआ है और हब के पास में कुछ पीसीज कनेक्ट, साथ में कुछ पीसीज कनेक्टेड है और ये आपका जो लिंक होगा ये क्या होगा, ट्रंक लिंक होगा। अब यहाँ से अगर इधर डेटा सेंड करना है तो डेटा फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेटिव वीलैन यूज करना पड़ेगा ना। तो अब अगर यहाँ पे आपके पास में कुछ पीसीज हैं, अगर उनको डेटा सेंड करना है तो ये तो क्या भेजेगा, ये अनटैग ट्रैफिक भेजेगा। अब अनटैग ट्रैफिक आएगा इस लिंक पे, तो इसको पता चल गया कि वो डेटा किसका है, वीलैन वन का है। तो ये वीलैन वन में जो भी पीसी होंगे उनको क्या कर देगा, सेंड कर देगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो अनटैग ट्रैफिक को, नेटिव वीलैन को। ठीक है, ओके फाइन। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ नेटिव वीलैन चेंज कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए चलो स्विच पे, दोनों साइड में ऑटो है, मैं एक को क्या बना देता हूँ, डिजायरेबल बना देता हूँ, डायनेमिक ऑटो है ना दोनों साइड में। तो हम लोग एक पोर्ट को क्या बना देते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x24 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, ट्रंकिंग इनेबल हो जाएगी दोनों के बीच में। शो इंटरफेस ट्रंक, बाय डिफॉल्ट नेटिव वीलैन क्या है, वीलैन वन नेटिव वीलैन है। तो हमने इस नेटिव वीलैन को क्या करना है, चेंज करना। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो, इंटरफेस पे चले जाओ, फास्ट इथरनेट 0x स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैन, कौन से वीलैन को, नेटिव वीलैन बनाना है, टू को बनाना है। सेम कमांड आप रन कर दोगे, लेकिन वो वीलैन शो ठीक है। अब अगर कोई भी अनटैग ट्रैफिक आ रहा होगा वो समझ जाएगा वो किसको भेजना है, जो पीसीज विलेन टू में है उनको भेज देगा वो। ठीक है, मतलब अगर कोई पीसी है नेटिव विलेन टू में, वो जब भी डेटा सेंड करेगा स्विच के पास में जाएगा, स्विच उस डेटा को ट्रंक लिंक पे भी भेजेगा बट विदाउट टैगिंग परफॉर्म किए हुए। ठीक है, अगर आप चाहते हो नेटिव वीलैन का जो डेटा है उसके साथ में भी आपने टैगिंग परफॉर्म करनी है तो वो सीसीआई में आएगा आपके। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो वीलैन वन में होंगे बाय डिफॉल्ट उसमें भी जाएगा, बीटीपी स्टैंड फॉर वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, इट इज ए सिस्को प्रोप्राइटरी। सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, इट वर्क्स ऑन लेयर टू, इट वर्क्स ऑन लेयर टू। यूज किस लिए होता है ये बीटीपी प्रोटोकॉल, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर,
इट इज़ यूज टू ट्रांसफर VLAN इंफॉर्मेशन, VLAN इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्विच टू अनदर स्विच. VTP किस लिए यूज होता है? VLANs की इंफॉर्मेशन को एक स्विच से दूसरे स्विच में ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास में 2-3 स्विचेस लगे हुए हैं, ट्रंक लिंक बने हुए हैं. मैंने यहाँ पे VLAN बनाए, VLAN 10 और VLAN 20. तो VTP क्या कर सकता है? VTP इनकी इंफॉर्मेशन इधर भी ट्रांसफर कर सकता है. तो यहाँ पे VLAN ऑटोमेटिक बन जाएंगे 10, 20. और जब ये भी आगे इसको ट्रांसफर कर देगा VLAN की इंफॉर्मेशन को, VTP बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक VLAN बन जाएंगे. लेकिन लास्ट क्लास में तो हमने मैनुअली बनाए थे, मैंने कॉपी पेस्ट करा था, याद है आप लोगों को? ठीक है, तो वो क्यों नहीं ट्रांसफर हुए थे वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? कहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है. तो ये किस लिए यूज होता है? VLANs की इन्फॉर्मेशन को एक स्विच से दूसरे स्विच में ट्रांसफर करने के लिए यूज हो सकता है, यूज करते हैं. और यू कैन से VLAN सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. जो VLAN मैनेजमेंट है वो क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइज हो जाएगा. अब आपको हर एक स्विच पे जाके VLAN नहीं बनाना पड़ेगा ना. VLAN आप कहाँ पे बनाओगे? सिर्फ एक स्विच पे बनाओगे, ऑटोमेटिक बाकी स्विचेस पे क्या हो जाएंगे? रेप्लिकेट हो जाएंगे, ठीक है? तो इसमें लिख सकते हो आप, बाय डिफॉल्ट VTP इज इनेबल्ड ऑन सिस्को डिवाइसेस. बाय डिफॉल्ट VTP इज enabled on Cisco. By default Cisco devices में VTP enabled होता है, ठीक है? VTP के कुछ modes होते हैं जिन modes के बारे में हम लोग discuss करेंगे, ठीक है? तब आप लोगों को अच्छे से clear हो पाएगा ये VTP कैसे काम करता है actually, ठीक है? कैसे VLANs की information को एक switch से दूसरे स्विच में ट्रांसफर करता है. तो कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मोड ऑफ VTP, टाइप्स ऑफ मोड इन VTP. तो इसके तीन मोड होते हैं टोटल. एक रहता है हमारे पास में सर्वर मोड, एक होता है क्लाइंट मोड और एक होता है ट्रांसपेरेंट मोड. ये टोटल तीन मोड आते हैं इसके VTP के, ठीक है? तो चलो डिस्कस करते हैं इनके बारे में हम लोग. सबसे पहले बात करते हैं सर्वर मोड में. बाय डिफॉल्ट All switches are in server mode. By default सारे switches हमारे किस में होते हैं? Server mode में होते हैं, ठीक है? In this mode we can create VLAN, we can create VLAN, comma remove the VLAN and edit VLANs. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? VLAN create कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं. सर एडिट मतलब? कुछ भी उसमें चेंज कर दिया, नेम चेंज कर दिया, कोई कुछ चेंज कर दिया उसमें, ठीक है? VLAN पता है ना कैसे बनता है,
ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, विलेन क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और इट विल जनरेट वीटीपी अपडेट और यू कैन से वीटीपी मैसेजेस, इट कैन जनरेट, इट विल जनरेट वीटीपी अपडेट। फाइन, एक VTP अपडेट जनरेट करेगा एंड इट विल जनरेट ए VTP अपडेट। फाइन, इट विल रिले द VTP इंफॉर्मेशन और अपडेट। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब हुआ, ये मेरा स्विच है, ये हमारे पास में कुछ स्विचेस हैं, ठीक है, ये तीन हमने स्विचेस ले लिए, इनके बीच में जो लिंक है हमारे ट्रंक लिंक है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस क्या होते हैं, सर्वर मोड में होते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, सर्वर मोड में है, ये भी सर्वर मोड में है और ये भी सर्वर मोड में। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, विलेन क्रिएट कर सकता हूं, विलेन 10 बना दिया और इस पे मैंने विलेन 20 बना दिया। तो बाय डिफॉल्ट वीटीपी क्या होता है, इनेबल्ड होता है, तो ये सर्वर मोड स्विच क्या करेगा, एक वीटीपी मैसेज जनरेट करेगा, वीटीपी अपडेट जनरेट करेगा और वो सेंड कर देगा दूसरे स्विचेस के पास में एंड विल रिले द इन्फो वीटीपी अपडेट टू नेक्स्ट स्विच, ठीक है। इसके पास में रिक्वेस्ट आएगी तो ये क्या कर सकता है, ये ऑटोमेटिक विलेन क्रिएट कर सकता है, विलेन 10 और विलेन 20, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने लास्ट क्लास में देखा था उसने बनाया नहीं था, वो क्यों नहीं बनाया था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसने ऑटोमेटिक विलेन नहीं बनाया था, हमने मैनुअल विलेन बनाए थे, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये क्लियर कर रहा था कि सर्वर मोड जो स्विच रहेगा आपका उस पर हम लोग विलेन बना सकते हैं, मैंने विलेन बनाए और वो क्या करता है, अपने विलेन की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, ये क्या करेगा, एक वीटीपी अपडेट जनरेट करेगा और उस वीटीपी अपडेट को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ये मेरा सर्वर मोड स्विच है, तो ये क्या कर रहा है, इस वीटीपी अपडेट को रिसीव किया और उसको क्या कर देगा, आगे रिले कर देगा, नेक्स्ट स्विच के पास में भी भेज देगा। सर्वर मोड स्विच पे हम लोग विलेन क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी वीटीपी अपडेट ये खुद से जनरेट करेगा, अगर ये मेरा कोई सर्वर मोड स्विच है दूसरा, अगर ये किसी और सर्वर मोड से रिसीव कर रहा है, मतलब कोई भी अदर स्विच से क्या कर रहा है, वीटीपी अपडेट रिसीव कर रहा है, तो उस अपडेट को क्या कर देगा, आगे रिले कर देगा, ठीक है, क्लियर है, ओके फाइन। और ये अपने जो विलेन की इंफॉर्मेशन जो सेव करेगा, स्टोर करेगा, वो कहां पे करेगा, इट स्टोर विलेन डॉट डेट फाइल ली थी ना, इन फ्लैश मेमोरी, ये फ्लैश मेमोरी में क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट हो, ओके। नेक्स्ट आता है एक क्लाइंट मोड, एक लाइन और ऐड कर लेना इसमें, वी कैन क्रिएट ओनली नॉर्मल रेंज विलेंस, दो रेंज बताई थी, एक नॉर्मल रेंज और एक एक्सटेंडेड रेंज। तो यहाँ पे हम लोग कौन से विलेन बना सकते हैं, सिर्फ नॉर्मल रेंज के विलेन ही हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, एक्सटेंडेड नहीं बना पाएंगे, ठीक है, सर्वर मोड स्विच में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइंट, ओके।
वी कैन नॉट क्रिएट एडिट और रिमूव VLAN मैनुअली। सर्वर मोड पे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, VLAN क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे, लेकिन क्लाइंट मोड नहीं कर सकता, इसमें हम लोग VLAN नहीं बना सकते। तो वहां पे VLAN बनेंगे कैसे? इट कैन रिसीव VLAN इंफॉर्मेशन from other switches। वो other switches से क्या करेगा, VLAN की information को receive करेगा। It can relay the VLAN information और यू कैन से इट कैन रिले द VLAN अपडेट्स। यू कैन से VLAN अपडेट्स और ये VLAN इंफॉर्मेशन क्या है, VLAN अपडेट है ना आपका। इट कैन रिले द VLAN अपडेट्स टू नेक्स्ट स्विच that is received from other switch। ठीक है, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्विच है, ये हमारा सर्वर मोड में था, फाइन। और एक और स्विच है, ये हमारा क्लाइंट मोड में है। एक और स्विच है, ये भी हमारा फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट मोड में है, फाइन। लिंक ट्रंक लिंक है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक VLAN बना रहा हूँ VLAN 10 और यहाँ पे मैंने बनाया VLAN 20। क्लाइंट मोड पे आप VLAN बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। लेकिन ये मेरा सर्वर मोड जो स्विच है वो क्या करेगा, एक VTP अपडेट जनरेट करेगा, बताया था। और वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्विच को क्या कर देगा, सेंड कर देगा, ये रिसीव करेगा। तो ये VLAN कैसे रिसीव कर सकता है, यहाँ पे हम लोग बना नहीं सकते, लेकिन ये कोई अदर स्विच से क्या कर सकता है, VLAN की इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकता है। जो इसे अपडेट मिल रहा है उस अपडेट में इन्फॉर्मेशन किसकी होगी, इन VLAN की इन्फॉर्मेशन होगी। वो क्या कर लेगा, अपने VLAN का डेटाबेस क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। और मैंने क्या बताया, ये अपनी VLAN की इन्फॉर्मेशन को क्या कर देगा, आगे रिले कर देगा। सेम अपडेट जो रिसीव कर रहा है वो अपने आप अपना डेटाबेस खुद अपडेट कर लेगा और उस VLAN अपडेट को क्या कर देगा, VTP अपडेट को क्या कर देगा, आगे रिले कर देगा नेक्स्ट स्विच के पास में। ठीक है, तो ये जो क्लाइंट है ये भी क्या कर लेगा, अपना डेटाबेस अपडेट कर लेगा VLAN डेटाबेस, और इस VTP को आगे क्या कर देगा, अगर कोई और स्विच कनेक्टेड है तो उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस जो सेव होगा वो कहाँ पे सेव होगा, डेटाबेस कहाँ पे सेव होता है, हाँ, स्टोर कहाँ पे होगा डेटाबेस आपका, जो VLAN डॉट डेट फाइल होगी वो स्टोर कहाँ पे होगी, फ्लैश मेमोरी में। यहाँ पे हम लोग मैनुअली कोई VLAN नहीं बना सकते, ये रिसीव कर सकता है अदर स्विचेस से, वो चाहे क्लाइंट से रिसीव कर सकता है, चाहे वो आपका सर्वर से। मैंने अभी दो तरीके बताए ना, जो नेक्स्ट वाला थर्ड स्विच था वो सर्वर से ले रहा था, लेकिन वो अपडेट था किसका, वो सर्वर का था वो, लेकिन वो क्लाइंट के थ्रू होते हुए रिले हो रहा था, है ना। अपडेट जनरेट कौन करेगा, सिर्फ सर्वर मोड स्विच ही क्या करेगा, अपडेट जनरेट करेगा। और क्लाइंट मोड क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करके आगे उस अपडेट को रिले कर देगा। आगे कोई क्लाइंट लगा हुआ है तो वो भी क्या कर देगा, उसको अपडेट करके आगे रिले कर देगा। क्लाइंट से सर्वर अपडेट ले, ओके फाइन। तो नेक्स्ट कौन सा मोड है, ट्रांसपेरेंट मोड।
we can create, edit or remove VLAN in this mode. हम लोग इसमें VLAN क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं. फाइन, ओके. इट कैन रिसीव द VTP अपडेट. It can receive the VTP update इसमें ये लिखो आप. It will relay the VTP update to next switch without updating itself. ये VLAN की इंफॉर्मेशन को अपडेट को रिसीव कर लेगा बट अपने डेटाबेस में अपडेट नहीं करेगा. उसको आगे क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा, रिले कर देगा नेक्स्ट स्विच के पास में. तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे मैन्युअली क्या कर सकते हैं, एडिट और रिमूव कर सकते हैं. और ये कभी भी VTP अपडेट जनरेट नहीं करेगा. तो इसकी VLAN की इंफॉर्मेशन किसी और के पास में रेप्लीकेट होगी? नहीं होगी ना. इट कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट जनरेट VTP अपडेट. VTP अपडेट कौन जनरेट करता है? सिर्फ सर्वर मोड स्विच करता है. ठीक है, तो इसका जो डेटाबेस होगा वो एक, ये आपका एक स्टैंड अलोन स्विच हो जाएगा. इसका डेटाबेस क्या रहेगा? अलग रहेगा. इसका डेटाबेस कहीं और दूसरे स्विच पे रिले नहीं होगा, बट ये जो अपडेट रिसीव कर रहा है उसको आगे रिले कर देगा. बट अपना डेटा किसी को और को नहीं देगा, खुद कभी भी VTP अपडेट जनरेट नहीं करेगा. ठीक है, इससे क्या मतलब है, चलो इसको वो क्लियर करता हूँ. ये हमारा सर्वर मोड में है स्विच, और ये जो हमारा स्विच है ये क्लाइंट में है फॉर एग्जांपल, और ये है हमारा ट्रांसपेरेंट में है, और ये एक और स्विच है यहाँ पे वो क्लाइंट पे. फाइन, मैंने यहां पे दो VLAN बनाए, VLAN 10 और VLAN 20. ये क्या करेगा? ये अपना एक VTP अपडेट सेंड करेगा नेक्स्ट स्विच के पास में. ये क्लाइंट स्विच है तो ये भी क्या कर लेगा, ये देखेगा उसके अंदर कुछ VLANs हैं तो ये क्या कर लेगा, अपना डेटाबेस अपडेट कर लेगा उसके अकॉर्डिंग, अपडेट के अकॉर्डिंग, और उस अपडेट को क्या कर देगा, आगे रिले कर देगा वापस नेक्स्ट स्विच के पास में. ये अपडेट करेगा अपना डेटाबेस? ये अपना डेटाबेस नहीं अपडेट करेगा. ये जो अपडेट रिसीव हो रहा है आगे सिंपली उसको क्या कर देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा. ये जो क्लाइंट है ये क्या कर लेगा, क्लाइंट पे VLAN बना सकते हो खुद से? मैनुअली नहीं बना सकते, बट ट्रांसपेरेंट पे आप VLAN बना पाओगे. लाइक मैंने बना दिया VLAN 50, यहां बन जाएंगे VLAN 100. लेकिन ये खुद की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे स्विच को नहीं देगा, क्योंकि कभी भी ये VTP अपडेट जनरेट नहीं करता. ये जो रिसीव कर रहा है उसको आगे क्या कर देता है, रिले कर देता है. क्लियर? ट्रांसपेरेंट मोड की जरूरत कब पड़ती है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, और ट्रांसपेरेंट मोड का कहां पे यूज हो सकता है? लाइक मैंने एक्सटेंडेड VLAN बनाने हैं तो मैं नॉर्मली यहां पे एक्सटेंडेड VLAN बना नहीं पाऊंगा. सर्वर मोड में बना सकते हैं? नहीं ना. नॉर्मल रेंज में बना सकता हूं मैं, और क्लाइंट मोड में मैं वैसे कुछ नहीं बना सकता. तो आप ट्रांसपेरेंट मोड पे क्या कर सकते हो, एक्सटेंडेड VLAN भी बना सकते हो. ठीक है, नॉर्मल रेंज तो VLAN बना ही पाओगे, और आप उस पे
एक्सटेंडेड वीलन भी बना सकते हो, ठीक है? रेप्लिकेट तो होंगे नहीं आगे। हाँ वो रेप्लिकेट नहीं होंगे। ओके फाइन, अब देखो क्या होता है इसमें, एक और चीज होती है इसमें, रिक्वायरमेंट लिख लो पहले इसकी, रिक्वायरमेंट ऑफ VTP। लिंक बिटवीन टू स्विचेस मस्ट ट्रंक लिंक होने चाहिए ना, डोमेन नेम मैच होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास में 10 स्विचेस लगे हुए हैं, तो उन 10 स्विच पे मैंने क्या करना है, मैंने वीलेन की इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, रेप्लिकेट करनी है, तो सब पे डोमेन नेम क्या रखोगे, एक डोमेन नेम भी देना पड़ेगा, VTP डोमेन नेम देना पड़ेगा, तो एक पूरा एक डोमेन बन जाएगा वो 10 स्विचेस का। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी वीलेन की इन्फॉर्मेशन इन 10 स्विचेस पे ही जानी चाहिए, तो मैं उन पे क्या कर सकता हूँ, डोमेन नेम सेम कर दूंगा, तो उस डोमेन में क्या होगी, रेप्लिकेट होंगी। तो अगर आप लोगों ने VTP के अपडेट एक स्विच से दूसरे स्विच में सेंड करने हैं, तो दोनों का डोमेन नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए, ठीक है? ये VTP डोमेन नेम है, ठीक है, VTP डोमेन नेम मस्ट मैच। उसके बाद में VTP पासवर्ड मस्ट मैच, ये VTP पासवर्ड भी मैच होना चाहिए, ये आपका ऑप्शनल है, अगर पासवर्ड ना भी दोगे ना तो काम चल जाएगा, अगर दिया हुआ है तो सब पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि कुछ मैसेजेस होते हैं, ठीक है, चलो सुन लो, इसमें कुछ VTP के मैसेजेस होते हैं, वो मैसेजेस कौन कौन से होते हैं, एक होता है इसमें समरी मैसेज, जिसको हम लोग समरी एडवर्टाइज्ड मैसेज बोलते हैं, एक होता है सबसेट एडवर्टाइज, एक होता है सबसेट एडवर्टाइज्ड मैसेज, एक होता है क्लाइंट सबसेट एडवर्टाइज रिक्वेस्ट, ये टोटल 3 मैसेजेस होते हैं, ठीक है? इनको क्लियर करने से पहले मैं आपको एक और इसमें टर्म होती है वो क्लियर कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, आप इसको क्या बोल सकते हो, CR नंबर भी बोल सकते हो या CR वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है? ये क्या होती है, बाय डिफॉल्ट सभी स्विचेस पे रिवीजन नंबर क्या होगा, विल बी 0, बाय डिफॉल्ट रिवीजन नंबर क्या होगा, सभी स्विचेस पे 0 होगा, ठीक है? अब होता क्या है, कि मेरा स्विच है, इस स्विच पे मैं जब भी कोई विलेन बनाऊंगा वो अपने रिवीजन नंबर में इंक्रीमेंट करेगा बाय 1, ठीक है? लाइक मैंने इस पे विलेन बनाया विलेन 1, 10, तो CR नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 1, जैसे मैं 2 बनाऊंगा 20 बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2। अब मैंने क्या कर दिया, ये रिवीजन नंबर
डिलीट कर रहा है मतलब इसमें कुछ चेंजेस हुआ है ना, विलेन में जब भी चेंज होगा तो रिविजन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय वन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया विलेन 20 बना दिया, 4 हो जाएगा, विलेन 30 बना दिया, रिविजन नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। रिविजन नंबर क्या हो गया, CR नंबर 5 हो गया। ये लाइक मेरा सर्वर मोड स्विच है। ठीक है, अब क्या होगा, अब लाइक मेरे पास में यहाँ पे भी कुछ स्विचेस लगे हैं सेम उसी तरह से, क्लाइंट है या जो भी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये एक मैसेज भेजता है, जब भी मैं VLAN के अंदर कुछ भी चेंज करूंगा तो ये मैसेज भेजेगा, और मैसेज भेजेगा वो एक तो ट्रिगर्ड मैसेज भेजेगा और एक भेजता है पीरियोडिक मैसेज। ट्रिगर्ड मैसेज कब भेजेगा, जब भी कोई चेंज होगा तो ट्रिगर्ड मैसेज ही जाते हैं ना। ट्रिगर्ड का क्या मतलब हुआ, जब भी कुछ डेटाबेस में चेंज हुआ तो जो मैसेज जनरेट होगा वो ट्रिगर्ड होगा। और एक होता है पीरियोडिक मैसेज जो आफ्टर 300 सेकंड के क्या बाद में क्या करता रहता है, सेंड करता रहता है। ठीक है, तो अब मैंने इस पे कुछ विलेंस बनाए, विलेंस बनाए तो ये एक ट्रिगर्ड मैसेज भेजेगा। ट्रिगर्ड मैसेज में क्या मैसेज आएगा, एक तो जाएगा समरी मैसेज, समरी एडवर्टाइज मैसेज। ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी, उसमें इंफॉर्मेशन होगी डोमेन नेम की, पासवर्ड की और CR नंबर की, ये तीन इंफॉर्मेशन होगी। क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी समरी मैसेज में, डोमेन नेम, पासवर्ड और CR नंबर। तो इसका CR नंबर क्या था, बाय डिफॉल्ट 0 था। तो जैसे इसके पास में समरी मैसेज आएगा तो वो क्या चेक करेगा, वो मैच कर जाएगा, लेकिन CR नंबर क्या है इसका 0 है। लेकिन क्या होगा, अगर ट्रिगर्ड मैसेज आ रहा है तो साथ साथ में वो एक और मैसेज भेजेगा, क्या, सबसेट एडवर्टाइज मैसेज। सबसेट एडवर्टाइज मैसेज में क्या होता है, जो VLAN के अंदर जो चेंजेस होते हैं, एक्चुअल VLAN का डेटाबेस किस में होता है, सबसेट एडवर्टाइज में होता है। तो समरी मैसेज के साथ साथ में वो क्या भेज देता है, एडवर्टाइज मैसेज भेज देता है। उसको ये पता है कि इस पे क्या है, CR नंबर कम नहीं होगा, क्योंकि आपने यहां पे क्या कर दिया, कुछ चेंज कर दिया तो इंक्रीमेंट हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या करता है, समरी मैसेज के पीछे पीछे क्या भेज देता है, एक सबसेट एडवर्टाइज मैसेज भेज देता है। तो ये क्या करेगा, ये अपना डेटाबेस क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। इसका CR नंबर क्या रख देगा 5, और यहां पे VLAN बना देगा VLAN 10, और यहां पे VLAN बना देगा VLAN 20, और यहां पे VLAN बना देगा VLAN 30। अब ये इधर भी जाएगा तो यहां पे भी CR नंबर 5 हो जाएगा, यहां पे भी CR नंबर 5 हो जाएगा, सेम डेटाबेस बन जाएंगे इधर भी। बन गए। अब क्या होगा, ये तो हो गया ट्रिगर्ड अपडेट, आफ्टर जब भी आपका कोई चेंजेस होगा वो ट्रिगर्ड अपडेट भेज देगा। वो ट्रिगर्ड अपडेट में दो मैसेज आएंगे, एक समरी मैसेज और उसके पीछे पीछे सबसेट। समरी मैसेज में इंफॉर्मेशन होती है किसकी, डोमेन नेम, पासवर्ड और CR नंबर की, और सबसेट में किसकी इंफॉर्मेशन होती है, जो मेरा जो VLAN का जो डेटाबेस है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। दो मैसेज को जब भी जगह एक ही ट्रेन में दो पार्ट कह सकते हैं इसको, नहीं, दो मैसेज आएंगे, एक ट्रेन जाएगा जिसमें समरी भी और सबसेट एडवर्टाइज। ट्रिगर्ड अपडेट भेजा, उन्होंने अपडेट कर लिया। अब देखो, अब यहाँ पे कोई चेंजेस हो सकता है कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कंजेशन था तो वो जो ट्रिगर्ड अपडेट है वो इसको रिसीव नहीं हुआ, स्विच 5 को रिसीव नहीं हुआ। तो अब इसके पास में वो इन्फॉर्मेशन आएगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि एक बार उसने ट्रिगर्ड मैसेज भेज दिया था, वो इसके पास में कोई भी रीजन से आया नहीं, कंजेशन था या जो भी था, तो इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। तो इसके पास में इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसके पास में इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं। तो ये क्या होगा, स्विच पीरियोडिक मैसेज का क्या यूज होगा, अब ये आफ्टर एवरी 30 सेकंड ये एक मैसेज भेजेगा, कौन सा, समरी मैसेज, क्योंकि अब बार बार इसको पता है ना कि सब पे VLAN का डेटाबेस क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब ये सबसेट एडवर्टाइज में तो सारे VLAN की इन्फॉर्मेशन है, तो कंजेशन होगा कि नहीं होगा, वहां पे फालतू का कंजेशन होगा ना। तो इसको ये अपडेट मैसेज हर बार समरी के साथ में भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए ना। तो
300 सेकंड के बाद में वो कौन सा मैसेज भेजेगा, सिर्फ समरी मैसेज भेजेगा, ठीक है। तो इसके पास में वो मैसेज आया, इसने देखा सीआर नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड और डोमेन नेम क्या मैच कर गया, ठीक है। सीआर नंबर क्या है, उस पर भी 5 आ रहा है, मेरा भी 5 आ रहा है, तो इसको सबसेट की जरूरत है नहीं है ना, ये सिंपली तो सबसेट आएगा नहीं अभी, ये सिंपली क्या कर देगा, आगे भेज देगा क्या, प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका हम लोग। एक काम करते हैं हम लोग, मैं इसको मैं यहाँ पे स्विचेस यूज कर रहा हूँ, 4 स्विचेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपने जो डाउट पूछा था ना, अगर कोई क्लाइंट वाला, अब पैकेट ट्रेसर में मैं दिखा तो दूंगा, लेकिन प्रॉपर कई बार वो गलत आउटपुट दिखा देता है, ठीक है। अगर उसको अगर आप खुद से रियल पे करके देख लोगे तो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा, फिर एक बार आपने गलत देख लिया वो आप चीज़ माइंड में बना लोगे, हाँ वो तो आउटपुट ये दिखा रहा था, तो पैकेट ट्रेसर पे बिलीव मत करना, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनके लिंक जो है हमारे वो क्या बनाने हैं, हमने इनको ट्रंक लिंक बनाने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके दोनों पोर्ट को मैं क्या कर देता हूँ, डिजायरेबल बना देता हूँ, डायनेमिक डिजायरेबल। तो ये ऑटो है और ये भी ऑटो है, तो ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी, और इनके बीच में एक पोर्ट को मैं क्या कर देता हूँ, डिजायरेबल बना देता हूँ, तो ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी। तो चलो फिर, इसका 1/0 एंड 2/0 है, सॉरी 0/1 और 0/2। इंटरफेस फास्ट इंटरनेट, इंटरफेस मैं रेंज पे चलाया तुम, रेंज फास्ट इंटरनेट 0/1 स्पेस हाइफन स्पेस फास्ट इंटरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल शो इंटरफेस ट्रंक। ये दो पोर्ट मेरे क्या बन गए, ट्रंक बन गए। उसके बाद में चल लो मैं इस इंटरफेस को बना देता हूँ 0/3 को डायनेमिक डिजायरेबल। इनेबल कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/ स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल शो इंटरफेस ट्रंक। ये तो ऑलरेडी बना हुआ था ना, 0/2 कौन सा है, क्लियर है, ट्रंकिंग फॉर्म होगी सबके बीच में। हम लोग इसको सर्वर बना लेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे सर्वर, सेकंड वाले को मैं बनाऊंगा क्लाइंट, और थर्ड वाले को मैं बना लूंगा ट्रांसपेरेंट, और लास्ट वाले को मैं बना रहा हूं क्लाइंट, ठीक है। तो चलते हैं पहले सर्वर स्विच पे, इसको हमने सर्वर बनाना है, इसका मोड VTP मोड क्या बनाना है, इसको सर्वर बनाना है। और मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट सारे जो आपके स्विचेज हैं सिस्को स्विचेज किस में होते हैं, ये क्या बोल रहा है, ऑलरेडी किस में है, लेकिन कुछ सीरीज जो आ रही हैं हाई एंड में जो आपके स्विचेज आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं है कि सब में ही ऐसा होता है, ठीक है, लाइक 37 के अंदर आई थिंक ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं 37 में, बट 45 में तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये तो श्योर है, ठीक है। तो डिपेंड करता है ये सीरीज पे। तो VTP मोड क्या बना दिया, सर्वर, उसके बाद में VTP डोमेन, डोमेन नेम कोई भी दे सकते हो, मैंने दे दिया सिस्को, ये नल से क्या हो गया, सिस्को हो गया, ओके। उसके बाद में इसको बोल रहा हूं VTP पासवर्ड देना है, पासवर्ड दे दो, मैंने दे दिया CCNA, चेक करना है इसका स्टेटस, इस पर सारी इंफॉर्मेशन दे दी हमने, शो VTP स्टेटस, VTP वर्जन 2 नहीं आया, ये दिखा रहा है कि ये VTP वर्जन 2 को सपोर्ट करता है, ये देखो यहाँ पे VTP वर्जन 2 मोड इज डिसेबल, बाय डिफॉल्ट इस पर क्या इनेबल है, VTP वर्जन 1, VTP वर्जन के 3 मोड है, VTP वर्जन 1, 2 और 3, ठीक है। 1 बहुत पुराना है, ठीक है, तो आजकल 3 यूज होता है वैसे,
ठीक है, लेकिन 3 आपका NP में आएगा। अगर वर्जन चेंज करना तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, VTP वर्जन 2, मैंने VTP वर्जन 2 कर दिया, शो VTP स्टेटस, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, पहले क्या थी 0 थी ना। और देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग विलेन दिखा रहा है, इस पे 5 विलेन बने हुए हैं, चेक कर सकते हो, शो विलेन ब्रीफ, 5 विलेन बने हुए हैं यहाँ पे टोटल, शो VTP स्टेटस, दोबारा चेक कर लो। और ये मोड कौन सा है, ये अभी आपके काम की चीज़ नहीं है, छोड़ दो इसको, आउट ऑफ सिलेबस ऑफ CCNA, फ्रॉम CCNA, VTP वर्जन इज 2, ये भी छोड़ दो। ये क्या है, MD5 डाइजेस्ट, ये MD5 डाइजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करता है, ये कैलकुलेट करता है किसके ऊपर, डोमेन नेम, पासवर्ड और रिवीजन नंबर के ऊपर। इसको कैलकुलेट करके ये क्या करता है, एक रिवीजन MD5 डाइजेस्ट वैल्यू क्या करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है। और सब पे वो क्या होगी फिर, वो तो जैसे ही विलेन की इन्फॉर्मेशन दूसरे पे जाएगी तो वो भी उस पे भी आपको क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी ना। ये लोकेटर आईडी वो क्या है ये छोड़ दो अभी चीज़ें तुम लोग, ओके। तो अब एक काम करते हैं, मैं दूसरे स्विच पे जाता हूँ, उसके मोड भी क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। अब जैसे ही आप किसी स्विच को डोमेन नेम देते हो फर्स्ट टाइम, अगर कोई और स्विचेज के क्या है डोमेन नेम क्या है, नल है, तो वो क्या कर लेंगे, डोमेन नेम ऑटोमेटिक अपडेट कर लेंगे, जो समरी मैसेज आएगा उसका फर्स्ट टाइम, जब उसका समरी मैसेज आएगा तो ये डोमेन नेम क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा, चेक कर सकते हो आप। मैं बोल रहा हूँ VTP मोड क्या बनाना है इसको, क्लाइंट, ये सर्वर से क्या बन गया, और VTP डोमेन मैं दे रहा हूँ सिस्को, ये क्या बोल रहे, ऑटोमेटिक सेट हो गया, उसने एक समरी मैसेज भेजा था तो वो ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा। और उसके बाद में VTP, एक मिनट, हाँ VTP डोमेन नेम दे दिया, पासवर्ड क्या था CCNA, तो इसका स्टेटस भी दिखा देता हूँ, शो VTP स्टेटस, ये मेरा क्या है क्लाइंट, डोमेन नेम, ठीक है, पासवर्ड नहीं दिखा रहा है, पासवर्ड देखना तो कैसे चेक कर सकते हो, शो VTP किस पे पासवर्ड क्या सेट है, क्लियर है। अब चलते हैं किस पे, ट्रांसपेरेंट पे, इसको बनाते हैं ट्रांसपेरेंट, VTP मोड ट्रांसपेरेंट, VTP डोमेन नेम क्या देना है, वर्जन भी दे सकते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी ये कौन सा स्विच है, VTP मोड और VTP पासवर्ड क्या देते हैं इसको, CCNA, वर्जन भी चेंज कर देते हैं, VTP वर्जन 2, इसमें भी हम वर्जन, इसमें भी 3 तक दे सकते हैं वर्जन, शो VTP, मैं स्विच 2 पे सेट चेक कर रहा हूँ, इस पे भी VTP वर्जन क्या हो गया, ऑटोमेटिक सेट हो गया 2, ठीक है। अब चलते हैं किस पे, लास्ट वाले पे, इसको भी हमने क्या बनाना है, क्लाइंट, तो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, VTP मोड क्लाइंट, VTP डोमेन सिस्को ऑलरेडी अब भी हुआ है, और VTP पासवर्ड CCNA, VTP वर्जन 2, ठीक है, शो VTP स्टेटस, ठीक है, रिवीजन नंबर सब पे क्या आ रहा है, इस पर जीरो है, बाकी सब का बना है, क्योंकि इसने क्या कर दिया था, समरी मैसेज भेज दिया था, ये मेरा क्लाइंट मैंने बाद में बनाया है, वो समरी मैसेज अब कब आएगा, 300 सेकंड के बाद में तब आता है इस पे, अदरवाइज तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मैं इसको बाद में बना रहा हूँ। एक काम करते हैं,
मैं यहाँ पे कुछ विलेन बना लेता हूँ। पहले विलेन चेक कर लेते हैं कि इन पे विलेन कौन से है। क्लाइंट पे मैं चेक कर लेता हूँ, शो विलेन ब्रीफ। तो सेम ही बनेगा ना सब पे बाय डिफॉल्ट। तो जो मेरा सर्वर मोड है, सर्वर मोड में मैं जाता हूँ, इस पे बोल रहा हूँ विलेन 10 एग्जिट, विलेन 20 एग्जिट, शो विलेन ब्रीफ। दो विलेन बन गए यहाँ पे। शो वीटीपी स्टेटस है, ये क्या हो रहा है। तो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, हमारा सर्वर है, क्लाइंट है, और ये ट्रांसपेरेंट है, और ये हमारा क्लाइंट है। तो मैं यहाँ पे कुछ विलेन बना लेता हूँ और उसको विलेन 100 एग्जिट, विलेन 200 एग्जिट, एग्जिट शो विलेन ब्रीफ। इस पे कितने विलेन बने हुए हैं? दो विलेन नए बने हैं ना, चेक करें शो वीटीपी स्टेटस। इसका रिवीजन नंबर क्या है? तीन हो गया, मैंने दो विलेन बनाए ना। तो ये सर्वर मोड है, तो ये क्या करेगा, ये दो मैसेज भेजेगा, समरी मैसेज भी इधर आएगा और साथ के साथ सबसेट एडवर्टाइज भी आएगा। तो ये अपना VTP, ये अपना डेटाबेस क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा क्लाइंट पे। तो कैसे चेक करोगे आप? शो विलेन ब्रीफ, ऑटोमेटिक यहाँ पे विलेन बन गए। मैं शो VTP स्टेटस दिखाता हूँ, ये मेरा क्लाइंट है और इसने रिविजन नंबर भी क्या कर लिया, ठीक कर लिया। ये अपनी अपडेट करेगा अपना डेटाबेस और आगे उसको क्या कर देगा, VTP अपडेट को रिले कर देगा। तो ट्रांसपेरेंट पे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? शो विलेन ब्रीफ, इस पे कोई बने हैं? नहीं बने। शो VTP स्टेटस, इसका रिवीजन नंबर क्या है? स्टिल जीरो है, इसका हमेशा जीरो ही रहेगा रिवीजन नंबर, ये मेरा ट्रांसपेरेंट में। बट ये क्या करेगा, अपनी विलेन की इन्फॉर्मेशन को आगे क्या कर देगा, रिले कर देगा। तो शो विलेन ब्रीफ यहाँ पे आगे, शो VTP स्टेटस, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो? ट्रांसपेरेंट में आप कैसे विलेन बना सकते हैं? ट्रांसपेरेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से विलेन बना सकते हैं अपने, बट वो उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और के पास में नहीं भेजेगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, विलेन मैंने बना दिया, और पैकेट ट्रेसर में सिर्फ आप ये दिखाएगा कि नॉर्मली बना सकते हो, बट रियल में आप क्या बना सकते हो, एक्सटेंडेड विलेन भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कोई भी, मैं बना देता हूँ 111 बना दिया मैंने, एग्जिट किया, एग्जिट शो विलेन ब्रीफ, 111 बन गया, शो VTP स्टेटस, रिविजन नंबर स्टिल क्या है? जीरो है। बाकी स्विचेज पे चेक कर लो, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था मैं क्लाइंट पे विलेन नहीं बना सकता, विलेन 150, ठीक है। जो यूजर क्वेश्चन एक पुट कर रहा था कि सर्वर डाउन चला रहा है, सर्वर लाते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंट की फाइल अपडेट नहीं होगी? ट्रांसपेरेंट की तो वैसे भी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट की तो वैसे नहीं हो रही थी। एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, एक और स्विच लगा लेते हैं। ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी, इसको ऑलरेडी क्या बनाया हुआ है, डिजायरेबल बनाया हुआ ना। ट्रंकिंग फॉर्म होगी ना ऑटोमेटिक, तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं क्या बना लेता हूँ, पहले एक मिनट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 है ना ये, मैं पोर्ट को एक बार शट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, पोर्ट को मैंने शट डाउन कर दिया। एक काम कर लेते हैं, हम इसको बना लेते हैं, सर्वर मोड में ले आते हैं, ठीक है, VTP मोड सर्वर, VTP पासवर्ड, VTP डोमेन, सिस्को
ऑलरेडी उस पर सेट हो गया ये, तो VTP और क्या कर लो, पासवर्ड क्या दे दो CCNA, शो विलन ब्रीफ, शो VTP स्टेटस, ये ना। अब मैं एक काम करता हूँ, ये इसका रिवीजन नंबर लोअर है ठीक है, तो मैं उस पोर्ट को क्या कर देता हूँ, अब मैं अप करता हूँ, आगे विलेन। अब वहां पे तो आप विलेन बना नहीं सकते, विलेन तो यहीं पे बना पाओगे ना, ये आपका सर्वर मोड में है ठीक है। ओके अभी देखो यार, हम लोगों ने डिस्कस किया था, विलेन बनाए थे याद है हम लोगों ने, लाइक मैंने यहाँ पे दो स्विच जो है, दो पीसी जो है वो विलेन 10 में रख लिए थे, और दो पीसी हम लोग रख लेते हैं विलेन 20 में। ये हमारा विलेन 10 और ये हमारा विलेन, ये दो पोर्ट हम किस में डाल देंगे, विलेन 20 में। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा, हमने इनके बीच में अब क्या करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है। तो कम्युनिकेशन कैसे करवाएंगे, अब इनको आईपी देंगे ना, तो आईपी डिफरेंट नेटवर्क में देने आपने, हाँ आईपी डिफरेंट नेटवर्क में देने पड़ेंगे। मैंने दे दिया 10.0.0.2, इसको दे दिया 10.0.0.3, इसको दे दिया 20.0.0.1, इसको दे दिया 20.0.0.2, इसको दे दिया 20.0.0.3 ठीक है। एक तो ये विलेन भी डिफरेंट है और ऊपर से नेटवर्क भी डिफरेंट है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा ना। अब हमने इनके डिफरेंट विलेन के बीच में हमने क्या करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है। तो ये कैसे करवाएंगे, एक राउटर यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये राउटर आपका इस स्विच से कनेक्ट होगा, और ये जो आपका पोर्ट है स्विच का, इसको पोर्ट को हम लोग बना देंगे ट्रंक पोर्ट। इसको क्या बना दोगे आप, ट्रंक पोर्ट। और यहाँ पे जो हमारा इंटरफेस है FA0/0, अब ये जो पोर्ट है ये गेटवे बनेगा इस नेटवर्क के लिए और दोनों के लिए गेटवे बनेगा, तो हमें इस पे आईपी चाहिए, दो आईपी चाहिए, 10 के नेटवर्क में भी और 20 के नेटवर्क में भी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस इंटरफेस को सब इंटरफेस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आ गया याद। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको FA0/0 लाइक कुछ भी सब इंटरफेस नेम नंबर कुछ भी दे दो, मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 10 दे दिया, ये मैंने विलेन 10 वाले के लिए बनाया। और एक और में मैं डिवाइड कर लेता हूँ FA0/0.20 फिर उसके बाद में आप इसको एक आईपी दे दोगे लाइक 10.0.0.1 दे दिया, और इसको एक आईपी दे दोगे, मैंने इस नेटवर्क में दे दिया क्योंकि ये मेरा, मैंने किसके लिए बनाया, विलेन 20 वाले के लिए बनाया ठीक है। तो ये आईपी इनके लिए क्या बन जाएगा, और 20 वाला आईपी इनके लिए क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे। क्लियर है। उसके बाद में देखो क्या होगा, इस मशीन ने जब भी डेटा सेंड करना है इस मशीन को, सोर्स आईपी क्या होगा 10.0.0.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 20.0.0.2, रिक्वेस्ट आएगी किसके पास में, स्विच के पास में। स्विच क्या देखता है कि विलेन 10 से आ रहा है, तो विलेन 10 से आ रहा है तो ये टैग लगा के भेजेगा, विलेन कौन से का, 10 का, विलेन 10 का टैग लगा के भेजेगा, तो ये क्या समझेगा, ये तो समझेगा ही नहीं विलेन के टैग को। तो यहाँ पे इस इंटरफेस को आपने इनकैप्सुलेशन बतानी पड़ेगी कि ये टैगिंग परफॉर्म करे, टैगिंग रिमूव करे ठीक है। तो टैग को समझना चाहिए ना ये वाला सब इंटरफेस, तो इसको .1Q या फिर ISL की क्या कर दोगे, इसको इनकैप्सुलेशन बता दोगे इस इंटरफेस को। तो मैंने बोल दिया .1Q यूज कर दिया, लाइक इस इंटरफेस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम यूज करना पड़ेगा फिर .1Q ठीक है। तो जैसे ही यहां पे टैग आया, टैग कौन से आया, 10 से आया, वो क्या कर लेगा, यहां पे आते टैग को रिमूव कर देगा, और ये क्या चेक करेगा कि डेस्टिनेशन आईपी क्या है, वो क्या है 20.0.0.2 है, वो अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा।
राउटिंग टेबल में ये चेक करेगा कि ये तो मेरे से कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है, एफ ए जीरो बाय जीरो डॉट 20 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो क्या कर देगा इस इंटरफेस पे सेंड करेगा, बट ये इंटरफेस जो है मेरा वो कौन से विलेन में है, तो जब टैगिंग परफॉर्म करोगे तो इसको बताना पड़ेगा कि ये विलेन 20 का है, ये मेरा पोर्ट, और ये मेरा पोर्ट किस में है, विलेन 10 के लिए परफॉर्म करेगा, मतलब इसको इनकैप्सुलेशन करोगे तो इसको बताना पड़ेगा कि ये जो टैगिंग परफॉर्म करे वो किसके लिए करे, 10 के लिए, और ये जो इंटरफेस है वो टैगिंग परफॉर्म करे किसके लिए, 20 के लिए। तो ये जब इस इंटरफेस पे सेंड करेगा तो ट्रंक लिंक है ना, ट्रंक लिंक पे तो टैग लगा के भेजेगा, तो कौन सा टैग लगाएगा, अभी विलन 20 का, जैसे इसके पास में आया ये चेक कर रहा है विलन 20 से कोई डेटा आ रहा है भाई, ये क्या भेज देगा, ये क्या करेगा, इधर भी वो विलन का टैग रिमूव करेगा और रिमूव करके इन दोनों को भेज देगा, डेफिनेशन आईपी इसका होगा, ये रिस्पॉन्स दे देगा, रिस्पॉन्स देगा तो क्या होगा, इस बार सोर्स आईपी ये होगा और डेस्टिनेशन आईपी ये होगा, और ये जब टैग लगा अब इस इंटरफेस से निकालेगा ट्रंक लिंक पे भेजेगा ना अब इसको, तो विलन 20 का टैग लगाएगा, डेटा है इसके पास में, ये टैग को क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो चेक करेगा डेस्टिनेशन क्या है, 10.0.0.2 है, तो अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, वो चेक करेगा कि ये तो मेरे कौन से इंटरफेस पे कनेक्ट है, एफ ए जीरो बाई जीरो डॉट 10 पे कनेक्टेड है, तो अब वो इस पे भेजेगा, अब इस पे भेजेगा तो इस पे ये ट्रंक पोर्ट है, इस पे इनकैप्सुलेशन करनी पड़ेगी, तो टैगिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो 10 का टैग लगा देगा, 10 का टैग लगा देगा, और 10 का टैग लगा के इसको सेंड कर देगा, सेंड कर देगा तो इसको रिसीव होगा यहाँ पे, तो ये टैग इसको पता चल गया 10 से आ रहा है, टैग रिमूव करेगा और भेज देगा इन दोनों को, ये रिसीव कर लेगा, ये डिस्कार्ड कर देगा, कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अब स्विच हमारा VLAN के उस पे कर रहा है ना डिवाइड, पहले मैक एड्रेस पे मतलब भेजता था, अब VLAN पे भेज देगा मुझे डेटा, तो मैक एड्रेस पे जा रहा है भाई। तो इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं, तो इसके लिए मैं एक स्विच यूज कर लेते हैं और एक राउटर यूज कर लेते हैं, चार पीसीज यूज कर लेते हैं हम लोग, जीरो बाय वन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, और ये जीरो बाय टू से कनेक्ट है, इसको आईपी दे देंगे 10.0.2, इसको आईपी दे देंगे 10.0.0.3 से कनेक्ट है, और ये हमारा 4 से कनेक्ट है, 20.0.0.2 20.0.0.3, और इनके बीच में हम लोग, मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ इसके 0/0 से, तो इसको ट्रंक बना लेंगे हम, इस पे दो सब इंटरफेस बना लेंगे, एफ ए क्या बनाएंगे, एफ ए 0/0.10, और इस पे बना लेंगे एफ ए 0/0.20, यहाँ पे विलेन बन जाएगा आपका 10, और इस पे विलेन बन जाएगा, ये दोनों पीसी डाल देंगे विलेन 20 में, ठीक है, ये दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा, पहले हम लोग पहले इनके विलेन्स बना लेते हैं और कम्युनिकेशन करवा के देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा ना कम्युनिकेशन, तो चलो विलेन 10 विलेन 20 एग्जिट इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 स्पेस हाइफन फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10 एग्जिट इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/3 स्पेस हाइफन फास्ट इथरनेट 0/4 स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 20 चेक कर सकते हो, शो विलेन, ठीक क्लियर है। एक काम करते हैं, मशीन्स को आईपी देते हैं, मैं इसको दे रहा हूँ 10.0.0.2, तो इसको मैं राउटर को 1 दूंगा, तो मैं गेटवे अभी दे रहा हूँ इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, 10.0.0.3 10.0.0.1 20.0.0.2 20.0.0.1 20.0.0.3 20.0.0.1 तो देख लेते हैं कम्युनिकेशन करवा के, मैं पहले वाले राउटर पीसी पे हूँ, 10.0.0.3 के साथ में पिंग आ रही है, रिप्लाई आ रही है,
2000 ऑब्वियस ही बातें नहीं आएगी क्योंकि मेरा विलेन भी डिफरेंट है और नेटवर्क भी डिफरेंट है, ठीक है। और डिफरेंट विलेन के बीच में अगर आप लोगों ने कम्युनिकेशन करवाना है तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों आपके डिफरेंट नेटवर्क भी डिफरेंट यूज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि जो राउटर है, राउटर यूज करोगे इंटरविलेन राउटिंग के लिए तो उस पे सेम दो इंटरफेसिस पे सेम नेटवर्क में तो आईपी दे ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलो पहले एक काम करते हैं, पहले मैं इस इंटरफेस पे जा रहा हूँ और इसको मैं क्या बना देता हूँ, ट्रंक इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x24 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल शो इंटरफेस ट्रंक नहीं बना, मैनुअल बनाना पड़ेगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x स्विच पोर्ट मोड ट्रंक शो इंटरफेस ट्रंक एंड पोर्ट डाउन है क्या, एक मिनट सामने वाले पोर्ट को मैं क्या कर देता हूँ, एक बार अप कर देता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 नो शट डाउन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ स्टेटस अप आ गया, देखते हैं पोर्ट अप आते तो इसको क्या हो गया, ओह सॉरी मैं यहाँ पे केबल क्रॉस यूज कर रहा हूँ, केबल तो स्ट्रेट यूज करनी है ना, क्या करते हो आप लोग, ध्यान रखा करो यार, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें शो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंकिंग इनेबल होगी यहाँ पे तो ट्रंक बन गया, पोर्ट अप हो जाएगा आपका। अब एक काम करते हैं, इस राउटर पे चलो और क्या करना है आपने, दो सब इंटरफेसेस बनाने हैं तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 डॉट इतने बना सकते हो आप, ठीक है। तो मैं क्या बना रहा हूँ और इसको आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, आईपी एड्रेस क्या देना है 10.0.1.255.255.0.0.0 ये आईपी लेगा नहीं क्योंकि इस पर इनकैप्सुलेशन बतानी पड़ेगी अभी आपको, इस पर आपको क्या करनी पड़ेगी इनकैप्सुलेशन बतानी पड़ेगी। तो इनकैप्सुलेशन क्या यूज कर रहे हो आप, डॉट वन क्यू और वीलेन आईडी किसके लिए बना रहे हो ये, अब मैं आईपी दे रहा हूँ तो आईपी ले लेगा, ये ले लिया आईपी। अब एक काम करो, एक और विलेन, एक और सब इंटरफेस बनाना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0.20 इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, टैगिंग किसके लिए परफॉर्म करे ये 20 के लिए, आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो, वीलेन का नंबर, वीलेन, हाँ वीलेन नंबर, टैगिंग किसके लिए परफॉर्म करे वो आपका ये बताना है, बता दिया। अब चलो इस पीसी पे कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, पैकेट फ्लो बता दिया मैंने, पैकेट फ्लो बता दिया था ना कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे ही ये कम्युनिकेट करता है 20003 को तो डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 20003 होगा, फ्रेम रिसीव होगा स्विच के पास में, स्विच क्या देखेगा कि ये कौन से विलेन से आ रहा है, विलेन 10 से, तो विलेन 10 वाले को इधर तो भेज देगा, साथ में ट्रंक पोर्ट भी भेजेगा विलेन 10 का टैग लगा के, इसको रिसीव हुआ, इसको रिसीव हुआ तो विलेन टैग किसका, ये विलेन 10 का है तो टैग रिमूव करेगा और ये किसको दे देगा 0x10 को देगा ना, और टैग क्या कर देगा वो रिमूव कर देगा, रिमूव करने के बाद में वो आईपी चेक करेगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या है तो डेस्टिनेशन आईपी चेक करेगा तो फिर राउटर अपना राउटिंग लुकअप करेगा तो शो आईपी राउट, वो देखेगा 20 नेटवर्क तो मेरे कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है, FA0x0.20 पे कनेक्ट है तो अब 20 पे भेजेगा .20 पे, तो .20 पे तो अब यहाँ पे टैगिंग परफॉर्म होगी फिर से, तो मैंने इसको बताया हुआ कि इसके लिए टैगिंग क्या परफॉर्म हो 20, तो 20 का टैग लगा देगा, डेटा आएगा स्विच के पास में, जैसे इसको ट्रंक लिंक पे वो डेटा रिसीव होगा वो टैगिंग देखी 20 के वो उसको रिमूव कर देगा, वो भेज देगा इसको और इसको, जो डेटा है वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो रिस्पॉन्स दे देगा, लाइक ये रिस्पॉन्स दे रहा है,
ये रिस्पॉन्स देगा तो वापिस से अब डेस्टिनेशन क्या होगा 10002 रिक्वेस्ट आई। इसके पास में देख रहा कौन से विलन से आ रहा, विलन 20 से आ रहा है, तो ये टैग लगा देगा उस डेटा पे और सेंड कर देगा किसको, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क में है ना, तो ये गेटवे के लिए गेटवे को भेजेगा ना डायरेक्ट, तो डेटा आएगा इसके पास में और इधर भेज देगा। अब इसको रिसीव हो रहा है कहाँ पे, 20 पे रिसीव हो रहा है, तो 20 पे रिसीव हो रहा है तो वो टैगिंग क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, टैग रिमूव करेगा, वो देखता है अब राउटिंग लुकअप करेगा, वो चेक करेगा कि डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10002 है, वो किससे कनेक्टेड है, इस पे है, तो ये ट्रंक लिंक है वापिस से, तो इसके लिए टैगिंग परफॉर्म करनी है, क्या लगाएगा ये विलन 10 का टैग लगा देगा और भेज देगा ट्रंक लिंक पे, इसको रिसीव हुआ विलन टैग 10 का रिमूव करेगा और इन दोनों को भेज देगा, जिसका डेटा वो एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरा इग्नोर कर देगा, वो बाकी डिसीजन आपका कैसे लेगा, राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग लेता रहेगा, मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग, अगर राउटिंग टेबल में डेटा अगर आपका क्या है मैक एड्रेसेस सेव है, ठीक है।